हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एवरीवन, आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करूँगी वो है बालों के लिए। आज बालों के लिए मैंने एक बहुत अच्छी हर्ब का इस्तेमाल किया है जो बालों के लिए बहुत अच्छी है, बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों के बाल उतर रहे हैं, बढ़ नहीं रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। और दूसरा, ये कलर करने के लिए इतनी अच्छी काम आएगी। इसका कलर इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव होगा कि आप एक बार यूज़ करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत अच्छा कलर है। दोबारा आप यूज़ करेंगे तो 100% आपके बालों का कलर बहुत ही पक्का और बहुत ही ब्लैक हो जाएगा। और कलर भी इतना पक्का आएगा कि आप अगर 2 से 3 बार भी शैम्पू करेंगे तो आपके बालों से कलर नहीं निकलेगा। क्योंकि इस डाई में जो आज मैंने इस्तेमाल किया है वो है हरड़। हरड़ का कलर बालों में इतना ज़्यादा पक्का आता है, इतना ज़्यादा अच्छा कलर होता है इसका। अगर आप यूज़ करके देखेंगे एक बार, सिर्फ टेस्ट के लिए आप हरड़ लीजिए और हरड़ को आप देखेंगे, थोड़ा भिगा कर आप कपड़े पर रगड़ कर देखेंगे ना, तो उसका कलर इतना पक्का होता है कि वो जल्दी से नहीं उतरता है। इसलिए अब जो आज मैंने इस्तेमाल किया है इसमें हरड़, ये बड़े वाली हरड़ है। ये बाल आप बालों के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बाल आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और ये सब जगह होती है। और दूसरा, ये बहुत सारी दवाइयों में भी काम आती है, लेकिन ये डाई के लिए तो बहुत ही अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है। दूसरा मैंने इसमें लिया है आंवला। आंवला तो सभी को पता है बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें विटामिन सी इतना ज़्यादा मात्रा में होता है जो बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को कलर भी करता है, साथ साथ बालों को कंडीशनर भी करता है। क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी होता है जो बालों की, आपके जितने भी बालों की स्कैल्प की प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और तीसरा इसमें इस्तेमाल किया है मैंने भ्रमणी। भ्रमणी बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये बालों को बढ़ाने में मदद करती है, बालों को कलर भी करती है। और दूसरा, ये तीनों चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल की हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तीनों चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं, ये एंटी फंगल भी हैं, ये बालों के इन्फेक्शन को भी रोकती हैं। जो बाल आपके स्कैल्प में बाल झड़ते हैं इन्फेक्शन की वजह से, उन्हें भी रोकेगी। क्योंकि तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कलर के भी काम आएगी, बालों को झड़ने से भी रोकेगी, और जितने भी आपके बालों में इन्फेक्शन है उनके लिए तो बहुत अच्छी है। और साथ साथ ये कंडीशनर भी करेगी, क्योंकि तीनों ही चीज़ें, भ्रमणी भी और आंवला भी, तीनों दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं जो बालों को कंडीशनर के भी काम आती है और हरड़ कलर के काम आती है। इसलिए अभी ये तीनों चीज़ें बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप किसी भी झंडू वाली दुकान पर या नेचुरली जहाँ पर आप दालें वगैरह लेते हैं वहाँ भी आपको तीनों चीज़ें बड़े आराम से मिल जाएंगी। अभी इन तीनों को सुखाकर मैंने इनका देखिए पाउडर बनाया है। ये तीनों चीज़ें आपको थोड़ा सा धूप में सुखानी है, हल्का धूप में सुखाना, इतना तेज़ नहीं, क्योंकि आजकल जैसे विंटर का मौसम है तो धूप तेज़ निकलती है दिन के टाइम में। क्योंकि उससे क्या होगा, एक ही दिन के धूप में ये बहुत अच्छी सूख जाएंगी। सूखने के बाद आपको इनको तीनों को पाउडर बनाना है, पाउडर बहुत बारीक बनाना है, क्योंकि हमें इसे हिना में मिलाना है। इसका सिरम नहीं बनाऊंगी मैं, आज मैं तीनों चीज़ें बराबर ऐसे ही पीस कर हिना में मिलाऊंगी। इसलिए अभी तीनों को सुखाकर मैंने देखिए इनका पाउडर बना लिया है अच्छे से। अब इसके लिए मैं लूंगी हिना, ये मेरी ओपन हिना है। ये आपको झंडू वाली दुकान पे या फिर आप जहाँ से दालें लेते हैं वहाँ आपको आराम से मिल जाएगी ये हिना। ये मैंने ओपन हिना इसलिए ली है क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा होता है और ये बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें नेचुरल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए हिना भी नेचुरली होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप केमिकल वाली कोई भी हिना इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बाय चांस ये ओपन हिना अच्छी नहीं मिलती है, फ्रेश नहीं मिलती है, तो आप पतंजलि की हिना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में अपना एक रिव्यू दिया था, पीछे आप देखेंगे वो बहुत अच्छी होती है। ये भी, इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन हर चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है जितनी आप अगर अपने सामने से कुछ चीज़ें मिलाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसलिए अब इसके लिए मैंने अपने बालों के अकॉर्डिंग मैंने 3 से 4 चम्मच ये हिना ली है। आपको अपने बालों के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा लेनी है। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप ज़्यादा लीजिएगा। अब तो मैंने तो थोड़ा इसलिए 3 या 4 चम्मच ली है क्योंकि मेरे बाल थोड़ा छोटे हैं। इसलिए अब इसमें मैं, ये मेरी 1 से 1.5 चम्मच के करीब ये सामान है सारा। ये 1 चम्मच ही मैंने इसमें ये हरड़ का पाउडर लिया है, दूसरा 1 ही चम्मच मैंने इसमें ये जो भ्रमणी है उसका पाउडर बनाया है, और तीसरा ये मैंने 1 चम्मच ही आंवला का पाउडर बनाया है। अब ये 3 चम्मच के करीब मेरा पाउडर है, ये मैं पूरा इसमें डाल दूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी पानी। इसका बहुत अच्छा पेस्ट बनाना है आपको, ऐसा नहीं होना चाहिए इसमें बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा पेस्ट बनेगा आपके बालों में उतना ही अप्लाई करने में आसानी होगी इसे। इसलिए इसका बहुत अच्छा आपको पेस्ट बनाना है। अगर आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि तीनों चीज़ें इतनी नेचुरल, इतनी इफेक्टिव हैं जो इसका बालों पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छे से इसको मिलाना है आपको, अच्छे से पेस्ट बनाना है।
इसका पेस्ट अच्छे से बन गया है ये। अब आपको क्या करना है, इस पेस्ट को बनाने के बाद आपको इसे अच्छे से घोलना है। घोलने के बाद आप इसे जब तैयार कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसे कम से कम आपको एक दिन या फिर जैसे पूरी रात आपको इसे अगर आपको इस डाई को कल अप्लाई करना है तो आपको इसे आज बनाना है, एक रात इसे आपको कढ़ाई में रखना है, क्योंकि उससे क्या होगा इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। क्योंकि जिनके बाल व्हाइट है उनके लिए तो बहुत ब्लैक चीज़ें होनी चाहिए बालों के लिए, डाई के लिए, तभी उनका उनके बालों में जरा ब्लैक कलर आएगा और जो व्हाइट बाल है वो अच्छे से ब्लैक हो जाएंगे। इसलिए अब आपको इसे अच्छे से घोलना है, आपको इसे एक दिन पूरा रखना है, एक दिन या पूरा एक रात आपको रखनी है। जैसे आप इसे घोलेंगे तो आज का पूरा दिन हो जाएगा और एक रात हो जाएगी, तो आपको फिर नेक्स्ट डे से अपने बालों में अप्लाई करना है। बालों में अप्लाई करने के लिए आपको इसे अच्छे से बालों को क्लीन करने के बाद ही इसे बालों में अप्लाई करना है, क्योंकि ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि आप जो भी बालों में डाई अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको अच्छे से बालों का कलर बिल्कुल साफ होना चाहिए, उससे क्या होगा आपके बालों में डाई का कलर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद आपको इसे कम से कम 3 से 4 घंटे बालों में रखना है, क्योंकि व्हाइट बालों को ब्लैक करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे तो चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 मिनट लगाएंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छा कलर आ जाएगा या बिल्कुल ब्लैक हो जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि सच यही है कि अगर व्हाइट बालों को आपको कलर देना है तो कम से कम 3 घंटे तो आपको अपने बालों में हिना को अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसी से आपके बालों में अच्छा कलर आएगा। तो इसे आप अच्छे से 3 घंटे के करीब अपने बालों में अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि शैम्पू करने से आपके बालों में जो भी कलर है सारा निकल जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से बालों में अप्लाई करना है, कम से कम 3 घंटे लगाना है। उसके बाद आपको शावर कैप जरूर लगानी है। शावर कैप लगाने के बाद जब आप 3 घंटे बाद आप सिर को वॉश करेंगे तो आपको बिल्कुल प्लेन पानी से सिर को वॉश करना है, कोई भी शैम्पू नहीं इस्तेमाल करना है, नहीं तो जितना आपके बालों में कलर आया शैम्पू के साथ सारा निकल जाएगा। इसलिए और अप्लाई करने के बाद आपको इसे अच्छे से प्लेन पानी से धोना है। उसके बाद जब आपके बाल सूखेंगे तो आपको खुद फर्क दिखाई देगा कि आपके बालों में कितना अच्छा कलर आया है। तो आपको अगर हो सके तो आप जब भी आपके बाल डाई लगाते हैं आप शैम्पू करने के लिए नेक्स्ट डे, जैसे आपको शैम्पू करना है डाई लगाने के बाद, आप रात को उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए बालों में हिना के बाद। जैसे हिना के बाद आप सिर धोएंगे, बाल सुखाने के बाद आप रात को अपने बालों में ऑयल लगाइए, उसके बाद नेक्स्ट डे आप अच्छे से शैम्पू कीजिए। तो उससे क्या है आपके बालों में ऑयल से क्या होता है, अच्छे से आपके बालों में कलर जितना है पक जाएगा वो अच्छे से, और बालों को कंडीशनर भी करेगा। नेक्स्ट डे जब आप शैम्पू करेंगे तो आपके बाल इतने अच्छे, इतने इफेक्टिव हो जाएंगे, इतने सॉफ्ट हो जाएंगे। तो आप खुद देखिएगा, इसे अप्लाई कीजिएगा, आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।